नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू प्रीमियम में आप सभी का स्वागत है। 25 दिसंबर 2019 के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल से या फिर यूपीएससी प्रीमियम टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला सवाल है नीति आयोग के एक इंडेक्स से रिलेटेड। ध्यान से पढ़िएगा दोनों स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि नीति आयोग हैज़ कंस्ट्रक्टेड द एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्पैनिंग अक्रॉस 13 out of 17 एसडीजीज। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनमें से 13 को कंसिडर करते हुए, 13 को मानते हुए नीति आयोग ने भारत के लिए एक एसडीजी इंडिया इंडेक्स बनाया। एक इंडेक्स बनाया जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार कौन सा राज्य कहाँ पर है ये डिसाइड किया जाएगा, ये रैंकिंग दी जाएगी, ऐसा कह रहा है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडेक्स ट्रैक्स द प्रोग्रेस ऑन अ सेट ऑफ 62 नेशनल इंडिकेटर्स विच आर नॉट रिलेटेड टू द स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इस इंडेक्स को बनाने के लिए 62 कैटेगरीज या 62 इंडिकेटर लिए गए हैं, तो इनके अनुसार नंबर दिए जाएंगे, लेकिन ये भारत सरकार की स्कीम से रिलेटेड नहीं है, ये जो इंडिकेटर हैं पूरी तरह से अलग हैं, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट कहता है। आंसर है यहाँ पर हमारा ए, ओनली वन, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आप मतलब कॉमन सेंस से भी इसे सही कर सकते थे कि देखिए भारत सरकार की स्कीम से रिलेटेड होगा तभी तो भारत सरकार उसे रैंक करेगी। सरकार अपना ही तो परफॉर्मेंस यहाँ पर बताना चाह रही है या अपने राज्यों को ये प्रेरित करना चाह रही है कि आप अपना परफॉर्मेंस सुधारिए। तो SDG क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 2015 में आए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का अगला हिस्सा है ये। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स खत्म हो गए, उसके बाद 2015 में SDGs को डेवलप किया गया था फॉर 2030। तो 17 SDGs हैं, उनमें से 13 को मानते हुए, 13 को कंसिडर करते हुए भारत सरकार का नीति आयोग ये इंडेक्स लेकर आ रहा है। तो ये डेवलपमेंट इंडेक्स जल्दी पब्लिश होने वाला है, तो इसमें होलिस्टिक व्यू आएगा सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल स्टेटस का, हर राज्य का, हर यूनियन टेरिटरी का। तो भारत में कितने राज्य हैं इस वक्त, अब रह गए 28 राज्य, कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, यूनियन टेरिटरी बन गया है। और यूनियन टेरिटरीज कितनी हो गई हैं, तो पहले राज्य थे 29, अब राज्य हो गए 28, और यूनियन टेरिटरीज थी पहले 7, जो अब हो गई हैं 9। तो भारत में अब कुल मिलाकर अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स देखते हैं तो देर आर 37 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इस बेसिस पर भी आपको किसी क्वेश्चन में आपका आंसर गलत करवाया जा सकता है, क्योंकि हम प्रोग्राम्ड हैं 28 और 7 सोचने के लिए। अगर हम तैयारी कर रहे हैं पिछले 1-2 सालों से तो हम 28 और 7 सोचने के लिए प्रोग्राम्ड हो चुके हैं। तो अपने दिमाग में अब रखना 28 और 9 वाला आंकड़ा, 37 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो इन सभी को आंका जाएगा नीति आयोग के इस इंडेक्स पर, सबको रैंकिंग दी जाएगी, स्कोर दिया जाएगा। तो ये एग्रीगेट मेजर है, इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो सबको फायदा होगा, पॉलिसी मेकर्स को पता चलेगा कौन सा राज्य कहाँ पर कम है, बिजनेसेस को पता चलेगा कहाँ हमें अपना बिजनेस ले जाना है, सिविल सोसाइटी सरकार पे दबाव बना पाएगी, पब्लिक भी जानेगी कि हमारी राज्य सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, कितना बुरा काम कर रही है। तो इसमें भारत के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज को 62 इंडिकेटर्स पे आंका जाएगा, और ये सभी कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम से रिलेटेड है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ आपको कि हाउस होल्ड फ्यूल होता है, जैसे LPG इस्तेमाल होता है, कुकिंग गैस इस्तेमाल होती है, कई घरों में आज भी चूल्हा जलता है जहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल होता है या अन्य चीज़ों का इस्तेमाल होता है आग लगाने के लिए, तो वो एक पैरामीटर बनाया जाएगा। लेकिन उस पैरामीटर से कौन सी योजना जुड़ी हुई है, उज्ज्वला योजना। तो इसी तरह से भारत सरकार की स्कीम का भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर राजस्थान उज्ज्वला योजना में बहुत अच्छा कर रहा है तो वहाँ पर हाउस होल्ड फ्यूल के अंदर उसकी रैंकिंग अच्छी होगी। अगर कोई दूसरा राज्य उज्ज्वला योजना में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, ज़्यादा कनेक्शन नहीं दे पाया, तो उसकी रैंकिंग थोड़ी नीचे आपको देखने को मिलेगी। It has been designed to provide an aggregate assessment of the performance of all Indian states to help leaders change makers evaluate their performance on social, economic, environmental parameters. Aim is to measure India's and states' progress towards the SDG for 2030. याद रखना SDG का target year 2030 है, UN द्वारा जो बनाया गया है। और SDG के ऊपर एक अलग वीडियो भी है StudyIQ पर, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, उसमें पूरा SDG को explain किया गया है। नीति आयोग has constructed the SDG India index for 13 SDGs, तो 13 गोल्स को लिया है हमने, तो इन 62 इंडिकेटर में 13 गोल हो रहे हैं, सारे के सारे नहीं हो रहे हैं। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये भी ऐड किया जा सकता था कि देर आर 23 SDGs, तो अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, 23 नहीं है, 17 हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एनुअल फ्लेमिंगो फेस्टिवल विल बी कंडक्टेड इन केवला देव घना नेशनल पार्क इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2020। यानी कि राजस्थान के केवला देव घना नेशनल पार्क में जनवरी के पहले हफ्ते में फ्लेमिंगो फेस्टिवल होने वाला है। फ्लेमिंगो क्या होता है, एक तरह का पक्षी होता है जो साइबेरिया से आता है, कहाँ पर, भारत। जब साइबेरिया में ठंड पड़ती है, ठंड हमारे यहाँ भी पड़ रही है, लेकिन हमारे यहाँ 1-2 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर जाता है, उत्तर भारत में
साइबेरिया में -30-40 तक टेम्परेचर चला जाता है, तो वहाँ पर रहने वाले पक्षी सर्दियों में, वहाँ की सर्दियों में भारत आ जाते हैं, उनके लिए यहाँ की सर्दी नॉर्मल है, वहाँ पर गर्मियों में टेम्परेचर 3-4 degrees रहता है साइबेरिया जैसे इलाकों में। तो फ्लेमिंगोज़ और कई माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं भारत के विभिन्न झीलों में, वेटलैंड्स में, जैसे सांभर वेटलैंड का आपने नाम सुना होगा। तो वैसे ही केवला देव घनाक नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी राजस्थान में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट, फ्लेमिंगोज़ आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब यहाँ पर वो IUCN की रेड लिस्ट की बात हो रही है कि फ्लेमिंगोज़ का दर्जा क्या है क्रिटिकली एंडेंजर्ड का। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर दोनों ही नहीं है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि फ्लेमिंगोज़ आते हैं केवला देव घना नेशनल पार्क में, लेकिन फ्लेमिंगो फेस्टिवल वहाँ पर नहीं हो रहा है, ये ऑर्गेनाइज कहाँ हो रहा है? आंध्र प्रदेश में। तो ये होने वाला है नेल्लोर में, तो नेल्लोर में है पुलिकट झील, और पुलिकट झील भी ये फ्लेमिंगोज़ हैं बाय द वे, आप देख सकते हैं बड़े बड़े टांगों वाले पक्षी, तो ये पानी में खड़े हो सकते हैं, उथले पानी में, 1-2 feet उथले पानी में खड़े होकर ये मछली पकड़ सकते हैं। तो ये जो फ्लेमिंगोज़ हैं ये नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट की पुलिकट झील में भी आते हैं। पुलिकट एक बहुत बड़ी झील है जो आंध्र और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ पर देखिए, ये रहा चेन्नई, और चेन्नई से कुछ किलोमीटर उत्तर में ये पुलिकट झील शुरू हो जाती है, और ये बहुत ही बड़ी झील है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड, इनफैक्ट चिलिका के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की झील जो भारत में मौजूद है। तो चिलिका कहाँ है? उड़ीसा में, और पुलिकट कहाँ है? मोस्टली इट इज़ इन आंध्र प्रदेश, लेकिन कुछ हिस्सा इसका तमिलनाडु से भी लगता है। मतलब यहाँ पे देखो बाउंड्री बन रही है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की। तो ये है पुलिकट झील, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हो नेल्लोर का एक वराइटी ऑफ एनिमल बहुत फेमस है, वो क्या है? क्या वो गाय है? क्या वो भैंस है? एक प्रकार का एक स्पीशीज़ का एक प्रकार है वो नेल्लोर, उस काफ़ी नाम से फेमस है, तो वो मुझे बताइए अगर आप जानते हैं तो। तो ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल नेल्लोर ज़िले में हो रहा है आंध्र प्रदेश में, जनवरी पहले हफ्ते में, बिल्कुल सही। 40,000 फ्लेमिंगो यहाँ पर आते हैं पुलिकट झील पर, और देखो ये बहुत सारे पक्षियों के नाम है, सारे मैं पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि पूछे नहीं जाते हैं। अगर आप फिर भी जानकारी के लिए पढ़ना चाहते हो ये पढ़ लो, इतने सारे जो पक्षी हैं ये सभी आते हैं, लेकिन मैक्सिमम आर फ्लेमिंगो। और फ्लेमिंगो क्या है ना, दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, तो इसको इंस्टेंटली लोग पहचान जाते हैं, दूसरे पक्षियों को लोग पहचान नहीं पाते। तो ये कई सारे जानवरों के कंजर्वेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे शेर है, दिखने में अच्छा लगता है, गजब लगता है, ह्यूमन बींग्स जो है उसे देखकर awe में आ जाते हैं, यानी कि हम उससे पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं, तो उसी के कंजर्वेशन के लिए हम काम ज़्यादा करेंगे। अब ये का ये कोई दूसरा चूहे जैसा दिखने वाला प्राणी होगा, हालांकि क्रिटिकल एंडेंजर्ड वो भी होगा, लेकिन उसके लिए कंजर्वेशन के लिए इतना एफर्ट्स नहीं होगा, इतनी अवेयरनेस नहीं होगी। तो ठीक है, फ्लेमिंगो के बहाने हम दूसरे बर्ड्स का भी कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो बात वापस आते हैं हम पुलिकट पर, तो इस लेक में बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, और यहाँ पर फिश, प्रॉन, क्रस्टेशियन, सिलेंट्रेट्स, प्लैंकटॉन सभी मिलते हैं। और ये क्या है? ब्रैकिश वाटर है। ब्रैकिश वाटर मतलब होता है खारा पानी। तो क्योंकि ये देखो समुद्र से कनेक्टेड है, यहाँ पर ये समुद्र से कनेक्ट हो जाती है, तो इसका पानी मीठा नहीं है, खारा है। तो चिलिका भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उसके बाद दूसरी है पुलिकट। ठीक है, इसका एरिया याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 759 स्क्वायर किलोमीटर है, और यहाँ पर वेटलैंड बहुत बड़ा वेटलैंड है, और इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। लगून के अंदर अलग अलग एरियाज़ हैं। अब आप में से जो आंध्र प्रदेश का PCS या तमिलनाडु PCS दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, UPSC में पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि फॉरेस्ट के नाम UPSC ज़रूर पूछता है। जैसे कि साइलेंट वैली पर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, साइलेंट वैली के अलावा आप देखिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पर भी क्वेश्चन आया था कि उससे उसके अंदर कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं या कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो आपको अगर पूछा जाए पुलिकट से एसोसिएटेड कौन से हैं, तो देखिए वेनाडू रिजर्व फॉरेस्ट, पेरनाडू रिजर्व फॉरेस्ट, ये आंध्र प्रदेश में है, और पुलिकट लेक जो है वो तमिलनाडु और आंध्र के बॉर्डर पर, मैं आपको बता ही चुका हूँ, और इट्स अ मार्शी वेटलैंड क्योंकि यहाँ पर पानी खारा है। अब इस लगून के बीच में क्या है? श्रीहरिकोटा लिंक रोड। श्रीहरिकोटा क्या है? भारत का प्रक्षेपण स्थल है, यहाँ से हमारे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, जो शार उसका नाम है ना, यहाँ से हमारे सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण होता है, तो उसको लिंक करने के लिए यहाँ पर एक रोड बनाई गई है। तो ये जो आइलैंड आपको नज़र आ रहा है, बैरियर आइलैंड इसे कहते हैं, तो ये समुद्र और पुलिकट के बीच में एक बैरियर का काम करता है। इसी आइलैंड पर क्या स्थित है? हमारा इसरो का प्रक्षेपण केंद्र, ओके, सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, इसीलिए भी पुलिकट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेलपट्टू बर्ड सेंचुरी भी है, इसी के पास में स्थित है, ये पुलिकट से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी लोकेशन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ है, जहाँ पे ये मैं रेड डॉट मार्क कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली यहीं पे इसकी लोकेशन है। कहाँ पर आता है आपको बस इतना याद रखना है, नेल्लोर ज़िले में आती है, पुलिकट के पास में है, 20-25 किलोमीटर दूर है, और नाम क्या है? नेलपट्टू बर्ड सेंचुरी। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी बर्ड्स देखने को मिलती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3, नारी शक्ति पुरस्कार इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर रिकग्नाइजिंग द अचीवमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन।
सेकंड, नारी शक्ति पुरस्कार इज कन्फर्ड ऑन इंडिविजुअल वुमेन ओनली. पहला स्टेटमेंट ये कर रहा है कि नारी शक्ति पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो महिलाओं के क्षेत्र में, महिलाओं की तरक्की के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है. सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ये केवल इंडिविजुअल वुमेन को, यानी कि केवल एक महिला को दिया जा सकता है, कोई संगठन या फिर पुरुष इस अवार्ड को नहीं पा सकते. कहने का मतलब ये है सेकंड स्टेटमेंट का. तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल फर्स्ट, क्योंकि देखिए सेकंड में ये शब्द गलत है. इंडिविजुअल वुमेन नहीं है यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस, ग्रुप्स, इन्हें भी मिल सकता है. अब कोई एनजीओ पुरुष चला रहा है तो उसे भी मिल सकता है. मेन क्राइटेरिया क्या है कि महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए काम करना होना चाहिए उस एनजीओ को या ऑर्गेनाइजेशन को. ये भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फॉर रिकॉग्नाइजिंग द अचीवमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वुमेन. ये राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड दिया जाता है 8 मार्च को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है. ये इंडिविजुअल वुमेन यानी किसी एक महिला को भी दिया जा सकता है. पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस यानी सरकारी संस्थाएँ, गैर सरकारी संस्थाएँ, पब्लिक डिपार्टमेंट्स, इन सबको भी दिया जा सकता है अगर उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है तो. इस अवार्ड की स्थापना 1999 में हुई थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा. वही डिसाइड करता है अवार्ड किसे दिया जाएगा. इसमें 8 कैटेगरीज हैं जिनमें से 6 तो हैं इंस्टीट्यूशनल कैटेगरीज यानी किसी संस्था को दिया जाएगा, और 2 इंडिविजुअल कैटेगरी, दोनों ही हैं. अवार्ड दिया जाता है 1,00,000 रुपये का और एक साइटेशन मिलता है. क्वेश्चन नंबर 4, 4 स्टेटमेंट हैं आपको, 3 स्टेटमेंट हैं जिसमें मैच किया हुआ है. NPA क्या है, GNPA क्या है, NNPA क्या है, आपको सही मैच बताना है कौन कौन सा है. पहला स्टेटमेंट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. NPAs आर रिकॉर्डेड ऑन अ बैंक्स बैलेंस शीट आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ नॉन पेमेंट बाय द बोरोअर, 90 डेज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट ओवरड्यू इन इंडियन कंटेक्स्ट. यानी पहला सवाल ये, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि NPA क्या होता है. जब आप बैंक में बहुत समय तक पैसा वापस नहीं करते, आपने लोन लिया है पैसा वापस नहीं कर रहे, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड. अ प्रोलॉन्ग पीरियड को यहाँ पर ब्रैकेट में डिस्क्राइब किया गया है कि भारत में ये समय काल होगा 90 दिन यानी 3 महीने. तो 3 महीने तक या तो आप प्रिंसिपल नहीं दिया आपने, या फिर आपने इंटरेस्ट ब्याज नहीं दिया है, तो फिर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है बैंक की बैलेंस शीट में जो लोन है. सेकेंड स्टेटमेंट, GNPA, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इज द टोटल बैड एसेट्स एक्चुअल माइनस द प्रोविजन लेफ्ट असाइड. यानी कि GNPA, ग्रॉस का मतलब है कुल मिलाकर जितना भी हिस्सा आता है बैंक में, तो इसमें जितने भी बैंक में बैड एसेट्स हैं, ठीक है, एक्चुअल में जो एक्चुअल बैड एसेट्स हैं उनको, उनमें से माइनस कर दीजिए प्रोविजन लेफ्ट असाइड. अगर बैंक ने कुछ प्रोविजन रख रखा है, प्रोविजन का मतलब ये होता है कि आप सेफ्टी के लिए कुछ रख रहे हैं, उसे प्रोविजन कहा जाता है. तीसरा स्टेटमेंट, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NNPA. तो यहाँ पर ग्रॉस और नेट के शब्दों का चेंज है. तो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसे कहा गया है? सम ऑफ टोटल NPAs ऑफ अ बैंक और बैंक्स अंडर अ सेंट्रल बैंक. यानी कि सेंट्रल बैंक के अधीन जितने भी NPAs हैं वो सारे कहलाते हैं नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट. तो यहाँ पर देखिए ये दोनों गलत हैं, इनकी ये डेफिनेशन नहीं होती. केवल NPA की सही डेफिनेशन है, आंसर होगा ए, ओनली 1. तो NPA बिल्कुल सही है, 90 दिनों तक अगर आप इंटरेस्ट या लोन में इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल का अगर पेमेंट नहीं करते तो फिर वो NPA कहलाया जाता है. ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? दिस इज द सम ऑफ टोटल NPAs ऑफ अ बैंक और बैंक्स अंडर अ सेंट्रल बैंक. तो अगर सेंट्रल बैंक भारत का है RBI के अधीन जितने भी बैंक हैं उनका अगर आप सारा NPA कैलकुलेट करोगे तो वो कहलाएगा ग्रॉस NPA. दूसरी ओर नेट NPA क्या होता है? इज द टोटल बैड एसेट्स माइनस द प्रोविजन लेफ्ट असाइड. यानी कि NNPA में हर बैंक, देखो हर बैंक एक प्रोविजन रखता है, कुछ सेफ्टी नेट रखता है, तो वो माइनस कर दिया जाए बैड एसेट्स में से तो फिर NNPA बन जाता है. तो यहाँ पर आप इस चार्ट में देख सकते हैं, आपको टेबल में डिफरेंस बताया गया है ग्रॉस NPA और नेट NPA का. मीनिंग सम्स ऑफ लोन डिफॉल्टेड, डिफॉल्ट लोन्स माइनस प्रोविजंस फॉर डिफॉल्ट. हर बैंक, मैंने आपको बताया, एक प्रोविजन रखता है, एक सेफ्टी फंड रखता है कि कुछ ना कुछ लोन तो खराब जाएंगे, उसकी भरपाई हम इस प्रोविजन से कर देंगे. डिफॉल्ट पीरियड 90 डेज, नेट NPA का इमीडिएट, एक्चुअल लॉस नॉट एक्चुअल लॉस, ये एक्चुअल लॉस है. पुअर गवर्नमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल सिकनेस, नेचुरल कैलामिटीज इसका कारण हो सकता है. यहाँ पर लो प्रोविजन फॉर अनपेड डेट. तो ग्रॉस NPAs जो हैं ये 9.9% तक बढ़ चुके हैं, RBI की रिपोर्ट ये कह रही है, बढ़ सकते हैं नेक्स्ट सितंबर तक. तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है कि 10% ग्रॉस NPA हो जाता है, ये बहुत ही बड़ा है. अभी कितना है? 9.3 है. तो सितंबर 2019 में 9.3 था और अगले साल सितंबर 2020 तक ये 9.9 हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 5, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो. PCR रेफर्स टू द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ फंड्स टू बी सेट असाइड बाय द बैंक्स फॉर कवरिंग द प्रोस्पेक्टिव लॉसेज ड्यू टू बैड लोन्स. स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक रेशियो है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो,
ये किस लिए होता है? देखिए, हर बैंक होने वाली क्षति जो हुई नहीं है, प्रोस्पेक्टिव क्षति जो बैड लोन के कारण हो सकती है, उसके लिए कुछ पैसा अलग रखता है। तो ये उसी से रिलेटेड है, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर पीसीआर की वैल्यू कम है तो बैंक के लिए बहुत फ़ायदा है, इसका मतलब बैड लोन्स नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। पीसीआर लोअर होने से बैंक के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको दो टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। पहला होता है प्रोविजन कवरेज रेशियो। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो है, ये प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ फंड्स है टू बी सेट असाइड बाय द बैंक्स फॉर कवरिंग द प्रोस्पेक्टिव लॉसेस। तो ये वो पैसा है जो बैंक अलग रखते हैं कि हमारे कुछ लोन तो खराब होंगे ही होंगे, उनमें पैसा वापस नहीं आएगा, तो हम एक इमरजेंसी फंड या फिर एक एक्स्ट्रा पैसा साइड में रख देते हैं कि ये उस लोन को कवर करने के लिए हम रखते हैं। सेकंड, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, CRAR, द रेशियो ऑफ अ बैंक्स कैपिटल टू इट्स रिस्क। इट इंश्योर्स दैट द बैंक कैन अब्जॉर्ब अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ लॉस एंड कंप्लाइज विद स्टैट्यूटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो देखिए, आरबीआई की कुछ रेगुलेशंस भी हैं कि आपको कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो अलग से रखना होगा। तो ये उसी का रेशियो है, रेशियो ऑफ अ बैंक्स कैपिटल टू इट्स रिस्क, कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना कैपिटल है और कितना रिस्क आपने ले रखा है। रिस्क क्या होता है? जो आपने लोन दिया हुआ है। तो ये रेशियो फिक्स कर रखा है आरबीआई ने, और इट इंश्योर्स दैट द बैंक कैन अब्जॉर्ब अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ लॉस। यानी अगर कुछ घाटा हो भी गया बैंक को, कुछ लोन्स बुरे हो भी गए, जैसे कि आपने नीरव मोदी स्कैम के बारे में सुना होगा पीएनबी का, तो हालांकि वो तो बहुत ही बड़ा था स्केल में, 11,000 से 14,000 करोड़ के बीच का स्कैम हो गया, वहाँ पर पीएनबी को नुकसान हुआ है, लेकिन हर बैंक एटलीस्ट कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट अलग से रखता है। तो वो रेशियो है CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। आरबीआई रिसेंटली रिलीज्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाई एनुअल होती है, यानी साल में दो बार होती है, और इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये तैयार करती है और बताती है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्या हाल है देश में। तो इसी की रिपोर्ट में ये बात आई थी कि 9.9% NPA जो है वो हो चुका है ये 9.3 होना चाहिए, और 9.9 हो जाएगा अगले साल सितंबर तक। तो इस साल से बढ़ जाएगा NPA अगले साल तक, ये FSR कहती है। प्रोविजन कवरेज रेशियो ऑफ बैंक्स हैज़ इंक्रीज टू 61.5% फ्रॉम 60% इन मार्च। तो यानी यहाँ पर भी 1% की बढ़ोतरी हुई है। इट इज़ द रेशियो विच गिव्स एन इंडिकेशन अबाउट प्रोविजन्स मेड अगेंस्ट बैड लोन्स। तो PCR अगर हाई है तो अनएक्सपोज पार्ट ऑफ बैड लोन्स इज लोअर, देयरफॉर PCR इज गुड फॉर इकोनॉमी। तो देखिए, PCR अगर बैंक ज़्यादा रखते हैं तो इसीलिए अच्छा रहता है, PCR गुड फॉर इकोनॉमी होता है, हायर PCR इकोनॉमी के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि इससे अनएक्सपोज पार्ट ऑफ बैड लोन्स इज लोअर, यानी कि जिन लोन्स के लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं है वो उनका खतरा कम हो जाता है। द रिपोर्ट ऑल्सो स्टेटेड दैट कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो CRAR इम्प्रूव टू 15.1% फ्रॉम 14.3%। क्रेडिट लॉसेस हैव जम्प्ड बाय 7.33% एज कम्पेयर टू जून 2019। क्वेश्चन नंबर 6, IIT हैदराबाद रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ प्रोटीन दैट रिपेयर्स अ डैमेज DNA इन ह्यूमंस एंड हेल्प्स प्रिवेंट डिजीजेज लाइक कैंसर। IIT हैदराबाद के साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने एक ऐसा प्रोटीन तैयार किया है जो इंसान के डैमेज्ड DNA को रिपेयर कर सकता है और कैंसर जैसी बीमारियों से बचा सकता है। सेकंड, म्यूटेशंस कैन डैमेज DNA परमानेंटली। म्यूटेशन से डैमेज DNA को परमानेंट, हमेशा के लिए हो सकता है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो IIT हैदराबाद के रिसर्चर्स ने एक ऐसा प्रोटीन डिस्कवर किया है जो डैमेज DNA को सही करता है और इससे कैंसर रोका जा सकता है। इस रिसर्च में ये पता चला है कि नेचर हैज़ इवॉल्व टेक्निक्स नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट DNA बट ऑल्सो टू रिपेयर अ डैमेज्ड वन सो दैट कैटास्ट्रॉफिक डैमेज कैन बी अवर्टेड। तो इस स्टडी में हमें ये पता चलता है कि प्रकृति ने इंसान के अंदर ऐसे मैकेनिज्म बनाए हैं कि कोई भी DNA डिटेक्ट, कोई भी DNA अगर डैमेज हो रहा है तो उसे रिपेयर किया जा सकता है, उसका रिपेयर मैकेनिज्म नेचुरली अवेलेबल है, और उसी मैकेनिज्म को इन्होंने कॉपी करने की कोशिश करी है। रिसर्च किससे फंड हुआ था? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अधीन आता है, इसने ये रिसर्च फंड किया था। एनी डैमेज टू द DNA कैन रिजल्ट इन आउटकम्स दैट कैन रेंज फ्रॉम अनपरसीवेबली माइल्ड चेंजेस सच एज सडन अपीयरेंस ऑफ अ हार्मलेस मोल टू डिजीजेस सच एज कैंसर। रिटेंशन ऑफ DNA इंटीग्रिटी इज देयरफॉर एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। SERB के बारे में जान लो। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। बोर्ड इज चेयर्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और कई सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं इसमें, साइंटिस्ट भी हैं जो इसके मेंबर होते हैं, लेकिन चेयरमैन कौन होगा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का सेक्रेटरी। द बोर्ड वॉज सेटअप फॉर प्रमोटिंग बेसिक रिसर्च इन साइंस एंड इंजीनियरिंग टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू साइंटिस्ट, इंस्टीट्यूशंस, R&D लैब्स,
इंडस्ट्रियल कंसर्न्स एंड अदर एजेंसीज. बोर्ड हैज स्कीम्स फॉर फंडिंग एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च, फॉर प्रोवाइडिंग ग्रांट्स फॉर स्टार्टअप रिसर्च एंड फॉर यूजिंग साइंटिफिक एक्सपर्टीज ऑफ रिटायर्ड साइंटिस्ट. तो कुल मिलाकर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में रिसर्च के लिए SEBRUB की स्थापना हुई थी. फिर बात करते हैं म्यूटेशन की. म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है म्यूटेट होना. टू म्यूटेट मीन्स टू चेंज. तो म्यूटेंट, जैसे आपने अगर एक्समैन फिल्म देखी हो, जो हॉलीवुड की काफ़ी फेमस फिल्म है, कम से कम 10-12 एक्समैन फिल्म बन चुकी हैं पिछले 20 सालों में. तो एक्समैन में क्या होता है, उनके DNA में म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण वो जो इंसान है नॉर्मल इंसान से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, उनमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं. रियलिटी में ऐसा नहीं होता है. रियलिटी में म्यूटेशंस बहुत हार्मफुल होते हैं. उसमें आप एक्स्ट्रा पावर नहीं मिल जाएगी आपको कि आप कुछ भी कर सकें, सुपर ह्यूमन नहीं बन जाएंगे. बल्कि म्यूटेशंस डेंजरस क्यों होते हैं, क्योंकि वो शरीर में कैंसर कॉज करते हैं. म्यूटेशंस के कारण शरीर में कैंसर हो सकता है. तो म्यूटेशन किस तरह से होता है, देखो नॉर्मल रेडिएशन से भी होता है, डे टू डे जो हमारा रेडिएशन है उससे भी हो सकता है. लेकिन ज़्यादा खतरा क्या है, जो आर्टिफिशियल रेडिएशंस हम बना रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के समय जो रेडिएशंस आते हैं, उनसे DNA परमानेंटली डैमेज हो जाता है. तो अगर आपने ये बात सुनी हो कि जापान में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए थे, तो उसके बाद उस एरिया में अगली जो 2-3 जनरेशंस हैं उनमें कैंसर इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. साथ ही साथ विकलांग बच्चे, मेंटली डेवलप नहीं हो रहे पूरी तरह से, ऐसे बच्चों की संख्या भी बहुत बढ़ गई थी. तो ये प्रॉब्लम अभी भी चल रही है उस एरिया में, जबकि आज तो 4th या 5th जनरेशन वहाँ पर पैदा हो रही है, बट स्टिल वो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जेनेटिक जीन्स के अंदर परमानेंट डैमेज हो जाता है. तो इसीलिए म्यूटेशन जो है ये DNA रेप्लिकेशन, माइटोसिस, मियोसिस, इस समय में होने वाला चेंज है जो DNA को डैमेज कर सकता है. अब इसमें नॉर्मल जब डैमेज होता है, थोड़ा बहुत डैमेज होता है, तो शरीर उसे रिपेयर कर सकता है. जैसे कि जो नॉर्मल सन के रेडिएशन्स हैं उससे भी DNA डैमेज होता है, लेकिन वो रिपेयरेबल होता है. लेकिन जब न्यूक्लियर बम जैसा बड़ा स्केल का इवेंट है जो इतना ज़्यादा म्यूटेशंस कॉज करता है, तो शरीर उसे रिपेयर नहीं कर सकता. ओके, तो ये होता है म्यूटेशन. आप इसमें देखिए, बाकी सारी बातें तो वही है, इवोल्यूशन, कैंसर, इसके बारे में बताया गया है कि एबनॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो सकते हैं, तो इवोल्यूशन हो सकता है. अब लेकिन इवोल्यूशन एक झटके में नहीं होता है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. तो जैसे अगर आप देखेंगे कि एक्समैन फिल्म में अगर आप म्यूटेंट्स को देखें, तो वो इंसान नहीं है, दे आर नॉट होमोसेपियंस, दे आर अ न्यू स्पीशीज, क्योंकि वो इवॉल्व हो चुके हैं. कैंसर हो जाता है, मेनली इंसानों में कैंसर होता है, और इम्यून सिस्टम की कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो म्यूटेशंस मोर देन यूजफुल, दे आर हार्मफुल. कुछ यूजफुल भी होते हैं, लेकिन वो लैब में होते हैं. नॉर्मली ह्यूमन शरीर के लिए म्यूटेशंस काफ़ी हार्मफुल होते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, लोकस्ट्स आर अ कलेक्शन ऑफ सर्टन स्पीशीज ऑफ शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर्स इन द फैमिली Acridiidae. तो लोकस्ट यानी टिड्डी एक स्पीशीज़ हैं जो शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर्स हैं, और ये इस फैमिली को बिलोंग करते हैं, Acridiidae को. जब ये बहुत बड़ी संख्या में अंडे देते हैं, व्हेन दे ले एग्स इन मासेस, इट इज़ कॉल्ड स्वॉर्मिंग. तो उसे कहा जाता है स्वॉर्मिंग. यहाँ पर देखिए, केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है. क्योंकि अंडे जब देते हैं उसे स्वॉर्मिंग नहीं कहा जाता, स्वॉर्मिंग कुछ और ही होता है. ये होता है स्वॉर्मिंग बिहेवियर, जब कोई भी जानवर, पक्षी, पंछी इतनी बड़ी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं. तो आमतौर पर ये पक्षी इंडिविजुअल होते हैं, झुंड में नहीं रहते, लेकिन जब इन्हें कहीं जाना होता है तो ये एक साथ इकट्ठा होकर जत्था बनाकर चलते हैं. इसे कहा जाता है स्वॉर्मिंग बिहेवियर. तो यहाँ पर टिड्डी की बात हो रही है. लोकस्ट अटैक हुआ है अभी गुजरात में, बहुत बड़े स्तर पर टिड्डियों का अटैक हुआ है. तो ये टिड्डी क्या होते हैं, ग्रास हॉपर्स होते हैं, जो फैमिली Acridiidae के मेंबर्स होते हैं. यूजुअली ये सॉलिटरी होते हैं, अलग ही रहते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, इंडिविजुअल रहते हैं. लेकिन जब ये एक साथ आते हैं, कभी कभी इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है और अचानक से ग्रिगेरियस बन जाते हैं. ग्रिगेरियस मतलब झुंड बनाकर रहने लग जाते हैं. तो लोकस्ट और ग्रास हॉपर लगभग एक ही हैं, स्पीशीज़ जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. तो वैसे ग्रास हॉपर जो है इनोक्यूस होता है, यानी इनोक्यूस का मतलब कोई हार्म नहीं करता है, ये हार्मफुल नहीं है इंसानों के लिए या हमारे क्रॉप्स के लिए. इनके नंबर्स भी लो होते हैं, तब ये कोई इकोनॉमिक थ्रेट भी नहीं है. 1-2 ग्रास हॉपर खेत के अंदर नॉर्मली भी आपको मिल ही जाएगा. लेकिन जब ये बहुत बड़ी संख्या के अंदर अंडे देते हैं और एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है. और ऐसा कब होता है, ये देखा गया कि अमूमन जब अकाल पड़ता है और उसके बाद अचानक से बारिश होती है, तो फिर इनके अंदर एक सेरोटोनिन ट्रिगर होता है. तो सेरोटोनिन ट्रिगर करता है ड्रामेटिक स्टेट ऑफ चेंजेस. तो ये जो नॉर्मली अकेले रहते हैं, इंडिविजुअली रहते हैं, वो अचानक से एक साथ इकट्ठा होकर रहने लग जाते हैं, और ये ग्रास हॉपर्स जो है माइग्रेटरी बन जाते हैं, नोमैडिक बन जाते हैं. यानी जहाँ ये पूरी ज़िंदगी अपनी एक खेत में बिता देते थे, वहाँ पर अब ये एक दिन में कई किलोमीटर का सफ़र तय करना शुरू कर देते हैं. तो पहले तो ये बनते हैं निम्फ्स, तो छोटे छोटे टिड्डी के आपको कीड़े जैसे दिखने लगेंगे, वो इनका फर्स्ट स्टेज होता है, तब इनके पंख नहीं आते हैं. और बाद में इनके जब पंख लग जाते हैं, तब ये बड़ी संख्या में उड़ के एक से दूसरे खेत जाते हैं, और पूरे के पूरे खेतों को ये चट कर जाते हैं,
क्योंकि ये खाते हैं केवल वेजिटेशन को, पत्तों को, तो जो खड़ी फसल होती है उसको बहुत बड़ा खतरा होता है। और टिड्डी दल जब आता है तो करोड़ों की संख्या में ये टिड्डियाँ आती हैं और बड़े बड़े एरिया को आप समझिए 10-10 बीघा का एक 10-10 बीघा का जो एक सेक्शन है वो पूरा एक दिन में चट कर जाते हैं और पूरा का पूरा क्रॉप खराब हो जाएगा। खराब क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये पावरफुल फ्लायर्स हैं, कई 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रैवल कर सकते हैं जब स्वार्मिंग बिहेवियर में आते हैं। तो ये एक अलग ही तरह का बिहेवियर है, कलेक्टिव बिहेवियर इसे कहा जाता है। ये कुछ जानवरों की स्पीशीज़ दिखाती हैं, जब इन्हें एक से दूसरी जगह जाना होता है तब ये इकट्ठे हो जाते हैं। और ये बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है, इस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है, एग्जैक्टली नहीं पता कि ये क्यों होता है। जैसे मैंने आपको बताया सेरोटोनिन वाला जो ट्रिगर है वो आता है, लेकिन अभी भी ये हाइपोथेसिस है कि ड्रॉट के बाद, ये ऑब्जर्वेशन है कि ड्रॉट के बाद ये देखा गया है। अब ड्रॉट के बाद क्यों होता है ये अभी तक हमें नहीं पता। तो स्वार्मिंग एक ऐसा टर्म है जो यूजुअली इंसेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन अन्य जानवर भी ये करते हैं। तो फ्लॉकिंग भी कहा जाता है, फ्लॉकिंग जब बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ये भी एक इंग्लिश में कहावत है। तो फ्लॉक मतलब एक साथ आ जाती हैं, ये रेफर करता है स्पेसिफिकली बर्ड्स के लिए। हर्डिंग कहते हैं टेट्रापॉड्स के अंदर, यानी जो चार पाँव पे चलते हैं उन्हें हर्ड कहते हैं। जैसे कई सारे गाय भैंस एक साथ इकट्ठे होकर कहीं जाते हैं, अगर आपने, आप में से कोई गाँव में रहता है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि आपके घर में जो गाय बंधी है जब आप उसे खुला छोड़ देंगे सुबह, तो वो जहाँ पे कॉमन ग्रेजिंग लैंड है वहाँ की तरफ चलना शुरू करेगी, तो वो ऑटोमेटिकली गायें सब गांव की एक साथ हो जाती हैं, उसे हर्डिंग बिहेवियर कहते हैं। वो एक साथ जाएंगी, एक साथ गांव में वापस आएंगी और अपने अपने घर पर आ जाएंगी। फिर मछलियों में इसे शोलिंग या स्कूलिंग कहा जाता है, जब मछलियाँ एक साथ आती हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स में भी ये देखा जाता है, उसे कहते हैं ब्लूम। तो ये फाइटोप्लैंक्टॉन ब्लूम होती है यूट्रोफिकेशन के दौरान, जब यूट्रोफिकेशन प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मदन मोहन मालवीय नेवर सर्वड एज प्रेजिडेंट ऑफ INC। पंडित मदन मोहन मालवीय महामना कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, ही वॉज द एडिटर ऑफ अ मैगजीन कॉल्ड हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम की हिंदी मैगजीन को वो एडिट किया करते थे। कौन सा सही है इनमें से, केवल दूसरा वाला। देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय INC के बहुत बड़े नेता थे, उसके 4 बार अध्यक्ष चुने गए थे, 4 बार प्रेजिडेंट रहे थे। तो अब आपकी एक जिम्मेदारी है कि जितने भी आज़ादी के आंदोलन में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में फैक्ट्स अपने हिस्ट्री के नोट्स के आखिर में लिख लो। जहाँ मॉडर्न इंडिया आपका खत्म होता है ना, वहाँ पे 10 पेज बना लो जिनमें जैसे गांधी जी हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, भगत सिंह हो गए, और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में लाइफ के छोटे छोटे फैक्ट्स लिख लो। क्योंकि क्या है कि देखो, ये डायरेक्टली पूछे जाने की संभावना कम रहती है, लेकिन ऐसे 4-5 स्टेटमेंट जब किसी के बारे में पूछे जाते हैं ना, तब ऐसे इस तरह के छोटे छोटे मोटे फैक्ट इस्तेमाल होंगे। अब ये बात तो आप सभी को पता होगी कि उनका आज़ादी में क्या सहयोग था, आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने BHU की स्थापना करवाई, एनी बेसेंट के साथ हिंदू महासभा और कांग्रेस दोनों में ये जुड़े हुए थे, इस तरह की बातें आपको पता होगी अगर आपने मॉडर्न पढ़ ली है। लेकिन अब आपको ये नहीं पता होगा कि वो कितनी बार अध्यक्ष रहे। तो देखिए, 4 बार वो अध्यक्ष रहे थे। और ये क्वेश्चन आज क्यों आ रहा है, क्योंकि 25 दिसंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, 158th एनिवर्सरी थी। तो ये पॉइंट्स कुछ हैं जो आप भी लिख लो। 4 बार INC प्रेसिडेंट रहे, 2014 में भारत रत्न मिला, मैगजीन के एडिटर थे हिंदुस्तान के। जितने बड़े नेता थे भारत के आज़ादी के समय, वो सब कोई ना कोई अखबार या मैगजीन चलाया करते थे। तो जो अखबार या मैगजीन वो चलाते थे उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, खास करके गांधी जी की, क्योंकि गांधी जी ने बहुत सारी मैगजीन्स छपवाई हैं, बहुत सारे अखबार छपवाए हैं। फिर उन्होंने इंडियन ओपिनियन को एडिट किया, उसके एडिटर रहे 1889 में। उन्होंने एक वीकली भी स्टार्ट किया, अभ्युदय, एक इंग्लिश अखबार, लीडर, हिंदी न्यूज़पेपर, मर्यादा। तो देखो, 4 नाम तो आपको यहीं मिल गए, लीडर, अभ्युदय, मर्यादा, इंडियन ओपिनियन और हिंदुस्तान, इतने सारे मैगजीन्स और डेलीज उन्होंने चलाए। फिर उन्होंने BHU की स्थापना करी, वाइस चांसलर भी थे उसके 1939 तक, सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे। तो लखनऊ पैक्ट में जब मुस्लिम लीग के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हाथ मिला लिया था, तो ये उस समय उसके खिलाफ थे। एक बात और याद रखना, ये हिंदू महासभा के भी बहुत बड़े लीडर थे। तो उस समय ऐसा चल जाता था कि हिंदू महासभा और कांग्रेस दोनों में आप हैं, दोनों में आप लीडर हैं। ही वॉज अगेंस्ट INC's पार्टिसिपेशन इन खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट के भी वो खिलाफ थे। सेकेंड राउंड टेबल अटेंड करने गए थे 1931 में, इस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने अटेंड किया था। गंगा महासभा की शुरुआत करी थी टू अपोज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स इन गंगा। ही वॉज ऑल्सो सोशल रिफॉर्मर हु अपोज्ड अनटचेबिलिटी, वर्क फॉर टेम्पल एंट्री ऑफ दलित्स एट द कालाराम टेम्पल एट नासिक महाराष्ट्र। तो दलितों के मंदिरों में एंट्री के लिए भी उन्होंने काम किया था। एक और ऑर्गेनाइजेशन है, श्री मातृ वृंदावन हसानंद गोचर भूमि वृंदावन। अब ये देखो, UPPCS वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी ये संगठन UPSC वालों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको लेकिन मैगजीन्स के नाम याद रखने हैं हर हालत में, स्टार मार्क कर लो और ये अच्छे से लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 9, स्नो एक्स कैंपेन इज स्टार्टेड बाय इसरो, IMO, नासा, ESA। आंसर है नासा। नासा का स्नो एक्स एक सैटेलाइट कैंपेन है। इसमें उनको ये पता करना है कि जब बर्फबारी होती है, विंटर में स्नोफॉल होता है, तो उसमें कितना पानी होता है और कितना अवेलेबल होगा जब वो मेल्ट हो जाता है हर स्प्रिंग में। तो नासा ने ये लॉन्च किया है 2016-17 से,
पाँच साल का ये प्रोग्राम है, इसमें ये लोग पाँच सालों तक नोटिस करेंगे कि उत्तर अमेरिका, खास करके इसका मेन जो एरिया है स्टडी का वो नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका में कितनी बर्फबारी होती है जो पीने के पानी के लिए अवेलेबल होगी। तो ग्लोबल स्नो वाटर इक्विवेलेंट उन्हें पता करना है। स्नो वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? SWE, की बर्फ में कितना पानी है। तो SWE रिमोट सेंसिंग से पता करेंगे ये, और ये एक ओवरऑल मिशन है जिसका नाम है अर्थ सिस्टम एक्सप्लोरर, उसका ये हिस्सा है। विद इन इट्स ज्योग्राफिकल रेंज स्नो एक्स एसेसेस वेयर स्नो हैज फॉलन, हाउ मच इज देयर एंड हाउ इट्स कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस एज इट मेल्ट्स। इट यूजेज एयरबॉर्न मेजरमेंट्स, ग्राउंड मेजरमेंट्स एंड कंप्यूटर मॉडलिंग। एयरबॉर्न कैंपेन विल फ्लाई रेडार एंड लाइडार। लाइडार क्या होता है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टू मेजर स्नो डेप्थ, कितनी गहरी है बर्फ की चादर, 6 फीट 5 फीट कितनी बर्फ गिरी है। माइक्रोवेव रेडार, रेडियोमीटर्स, इन सबसे SWE का कैलकुलेशन किया जाएगा। ऑप्टिकल कैमराज जो नॉर्मल फोटोग्राफ्स खींचेंगे सरफेस के, इंफ्रारेड रेडियोमीटर्स टू मेजर सरफेस टेम्परेचर एंड हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर्स फॉर स्नो कवर एंड कंपोजिशन। ग्राउंड टर्म्स में क्या होगा? स्नो डेप्थ, डेंसिटी, एक्यूमुलेशन लेयर। तो ऐसा नहीं कि केवल सैटेलाइट से सर्वे हो रहा है, ग्राउंड टीम्स भी होंगी जो सर्वे करेंगी और वो भी कंपेयर करेंगे डेटा को कि ग्राउंड और सैटेलाइट वाला जो डेटा है उसमें क्या समानता है, क्या डिफरेंसेज हैं। तो अभी नासा ये केवल उत्तर अमेरिका के लिए कर रहा है, अभी ग्लोबल पूरी दुनिया के लिए उनके पास सैटेलाइट नहीं है कि ये पूरा सर्वे किया जा सके, लेकिन भविष्य में वो ये करना चाहते हैं। तो स्नो एक्स के आउटकम्स क्या हैं? आउटकम देखिए, अर्थ सिस्टम एक्सप्लोरर जो सर्वे है, डेकेडल सर्वे, 10 साल का एक सर्वे है, इसमें इसका ये हिस्सा बनेगा। हाइड्रोलॉजी, नासा के टेरेस्ट्रियल हाइड्रोलॉजी प्रोग्राम का भी ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो टेरेस्ट्रियल हाइड्रोलॉजी यानी धरती पर जो पानी है उसकी पूरी स्टडी नासा कर रहा है। तो इस कैंपेन की आवश्यकता क्या है? देखिए, दुनिया में 1/6 पॉपुलेशन यानी लगभग 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सीजनल स्नोपैक और ग्लेशियर पर डिपेंडेंट है, यानी जो ग्लेशियर्स या बर्फ़ पिघलती है उससे पानी पर निर्भर है। स्नो मेल्ट जनरेटेड वाटर सप्लाई इज़ लाइकली टू डिक्रीज, क्योंकि बर्फ़ गिरनी कम होगी तो ऑटोमेटिकली स्नोफॉल से जो पानी बनता है पिघलकर वो भी कम होगा। तो स्नो इज क्रिटिकल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ्स कोल्ड रीजन एंड इकोसिस्टम्स वेयर वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन, स्नो हैव स्ट्रॉन्गली इंटरकनेक्टेड फेट। Besides, to understand the time and space variation in the snow's energy and mass balance, along with extensive feedbacks with Earth's climate, water cycle, carbon cycle, it is critical to accurately measure snowpack. देखिए, बर्फ केवल पीने के पानी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, धरती का क्लाइमेट, लोकल वेजिटेशन, ये सभी इकोसिस्टम, ये सभी जुड़े हुए हैं इंट्रिकेटली, बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं बर्फ के साथ। तो वाटर साइकिल, अर्थ के क्लाइमेट और कार्बन साइकिल, इन सब में बर्फ का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसीलिए इस स्नो को मेजर करना, उसे स्टडी करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 10। ऑन December 27, 1911 द नेशनल सॉन्ग वॉज संग एट द कैलकटा सेशन ऑफ द कांग्रेस। जनगणमन वॉज अडॉप्टेड एज द कंट्रीज नेशनल एंथम बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन January 24, 1950 द लास्ट डे ऑफ इट्स सेशन। अब यहाँ पर देखिए, प्योरली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि फैक्ट क्या है। दो टर्म है जिन पर आपको ध्यान देना है, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, ठीक है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, दो चीज़ें हैं जिनमें आपको ध्यान देना है। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत को गाया गया, लेकिन जनगणमन को राष्ट्रगान माना गया था 24 जनवरी 1950 को, जो हमारी संविधान निर्माता सभा का आखिरी दिन था, लास्ट डे ऑफ इट सेशन। क्या यहाँ पर ये बात, दोनों बातें सही है? देखिए, केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, नेशनल सॉन्ग नहीं है, यहाँ पर भी नेशनल एंथम ही होगा। तो नेशनल सॉन्ग तो कौन सा हो जाएगा? वंदे मातरम। नेशनल एंथम हो जाएगा जनगणमन। तो 27 दिसंबर 1911 को जनगणमन गाया गया था, वंदे मातरम नहीं गाया गया था। तो नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग, पहली बार एक गाया कब गया था? कैलकटा सेशन ऑफ द कांग्रेस, और इसे जनवरी 24, 1950 को हमारा राष्ट्रगान फाइनलाइज किया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। रेफरेंस टू द नेशनल एंथम इज अ रेफरेंस टू द नेशनल एंथम इज अ फंडामेंटल ड्यूटी एज पर आर्टिकल 51AA। तो सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी यही है, नेशनल एंथम और जो हमारे अन्य राष्ट्र के प्रतीक हैं उनके प्रति सम्मान रखना। जनगणमन ओरिजिनली बंगाली में लिखा गया था, ये बात याद रखना। 5 स्टैंजा की पोएम है, उसमें से केवल पहला स्टैंजा हमने इस्तेमाल किया है हिंदी जो है हिंदी में अनुवाद करके हमारे राष्ट्रगान के लिए। सरला देवी चौधरानी जो रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी थी, उन्होंने इसे गीत में पिरोया। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने तो ये पेपर पे, कागज़ पे लिखी थी पोएम, उन्होंने इसे गाने के हिसाब से नहीं बनाया था, लेकिन उनकी जो भतीजी थी सरला देवी चौधरानी, ये भी एक वेमेंस राइट एक्टिविस्ट थी बहुत बड़ी अपने समय की, उन्होंने इसे गीत यानी उसे थोड़ा सा धुन दी अपने दोस्तों के साथ मिलके। और नोटेशन ऑफ द सॉन्ग वॉज सेट बाय टैगोर इन 1919 विच इज़ अबाइडेड बाय अंटिल टुडे। फिर बाद में टैगोर ने खुद इसे प्रॉपर इसके म्यूजिकल नोट्स डिसाइड कर दिए और वो आज भी फॉलो होते हैं। तो 1911 में तो ये लिखा गया था और 1919 में इसको फाइनली टैगोर ने धुन दे दी।
फर्स्ट म्यूजिकल कंपोजिशन परफॉर्म, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फैक्ट. म्यूजिकल कंपोजिशन का मतलब है जब गीत गाया नहीं जाए, केवल उसकी धुन बजाई जाए. तो ये म्यूजिकल कंपोजिशन इसका पहली बार September 11, 1942 को हैम्बर्ग जर्मनी में प्ले किया गया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी इसे अपना राष्ट्रगान डिक्लेयर कर दिया था, आज़ाद हिंद का, फ्री इंडिया का. हालांकि फॉर्मल स्टेटस नहीं मिला क्योंकि वो कभी भी टेरिटरी रूल नहीं कर पाए थे. ये फैक्ट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ. 1950 में इसका हिंदी वर्जन अपनाया गया था, बंगाली नहीं, और संविधान सभा ने डिसाइड किया कि हिंदी वर्जन अपनाया जाना चाहिए क्योंकि उसकी ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगी. एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है इस गाने को लेकर, हमारे जनगणमन को लेकर, कि ये लिखा गया था इंग्लिश एम्परर जॉर्ज पंचम के लिए. क्योंकि देखिए, जब ये लिखा था ना रविंद्रनाथ टैगोर ने, उसके अगले दिन दिल्ली दरबार था, तो लोगों को ऐसा लगा कि उन्होंने ये किसके लिए लिखा है, किंग जॉर्ज फिफ्थ के लिए. तो आज भी उन पर ये आरोप लगते हैं. कई लोग जिन्हें जानकारी नहीं है वो ये कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने तो ये अंग्रेज़ों के गुणगान गाते हुए ये गीत लिखा था, तो ये भारत का नेशनल एंथम नहीं होना चाहिए था. लेकिन ऐसा नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद इस कॉन्ट्रोवर्सी को नकार दिया था. उन्होंने एक चिट्ठी में लिखा था, 1937 की एक लेटर है जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैंने कहा है कि भारत भाग्य विधाता, तो भारत भाग्य विधाता कैसे हो सकता है कोई ब्रिटिश शासक, इट कैन नॉट बी जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज सिक्स्थ और एनी अदर जॉर्ज. ये लाइन पढ़िए आप, पॉज करके आप इस पूरे पैराग्राफ को जरूर पढ़िएगा कि मैं भारत भाग्य विधाता एक फॉरेन रूलर को कैसे बना सकता हूँ. भारत भाग्य विधाता हमारी डेस्टिनी डिसाइड करने वाला कोई विदेशी नहीं हो सकता है. तो ये कविता मैं किसी विदेशी या किसी दूसरे एम्परर के लिए लिख ही नहीं सकता, ये तो मैंने देश के भाग्य के लिए लिखा है. तो ऑब्वियसली इट इज़ रिटन हमारे राष्ट्र के हित में, हमारे राष्ट्र के फीलिंग्स को समझते हुए उन्होंने ये लिखा था, ना कि किसी जॉर्ज फिफ्थ के लिए. अच्छा, क्या ये गीत जब गाया जाता है तो आपको गाना ज़रूरी है, या आपको पता होना चाहिए? गीत गाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन खड़ा होना और सम्मान देना ज़रूरी है. अगर आप खड़े हो सकते हैं तो आपको खड़ा होना चाहिए. कोई अगर खड़ा नहीं हो सकता, उनको कोई दिक्कत है, डिसेबिलिटी है, या फिर एज के कारण अगर कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता तो बात अलग है. बाकी खड़ा होना और शांति में बिल्कुल उसे सुनना भी एक रिस्पेक्ट का मार्क है. अगर आपको आता नहीं है गाना तो आप केवल उसे सुन भी सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं. इल्लीगल क्या है? इल्लीगल ये है कि अगर आप उसे डिस्टर्ब करते हैं, अगर वहाँ पर कहीं सभा में राष्ट्रगान चल रहा है और आप वहाँ पर नारेबाजी शुरू कर दें, तो वो इल्लीगल एक्ट है. उसके लिए कुछ कानून में प्रावधान बनाए गए हैं और आपको जेल भी हो सकती है. इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ ग्रेट डे.